जी शाम का टाइम है, हमारा कबूतर जी माशाल्लाह ये खुले फिर रहे हैं आज़ाद। अब इनको दाना डालेंगे थोड़ी देर तक, और ये हमारे जी जो कट्टी हैं और कट्टा है जो ये चारा खा चुके हैं, तकरीबन चारा अपना ख़त्म कर चुके हैं। अब ये पानी का इंतज़ार कर रहे हैं, इनको पानी पिलाएंगे और नहलाएंगे। और ये जी हमारी गाय ये भी, और ये हमारी भैंस है ये भी, ये देखें जी अब ये साइड पर हो गई है चारे से, अभी पानी पियेंगी तो इनको नहलाएंगे। और वो जी हमारी फीमेल डॉग, वो देख इसने जी आज बहुत बड़ा कांड कर दिया, इसने जी आज हमारी एक फीमेल कबूतरी खा गई है। ये जी फीमेल कबूतरी खा गई हमारी हमारी ये जी चूजे फिर रहे हैं, ये भी आज़ाद ही रहते हैं सारा दिन। शाम को इनको एक टोकरा है उनके नीचे ढक देते हैं। और ये जी हमारे कबूतर छुटे फिर रहे हैं, ऊपर बैठते हैं नीचे बैठते हैं, फुल मस्ती में है जी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वही आर बैक हैं अदर ब्लॉग के अंदर। तो जी उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। तो जी आपके प्यार का बहुत शुक्रिया जो आप दिखाते हैं मेरी वीडियो के अंदर। तो जी आपने मेरा शौक देखा हुआ है, मुर्गियाँ कबूतर जो आप दिखाता हूँ डेली रूटीन के अंदर, पहले मैं कुछ बंद कर गया था, तो आप जी इंशाल्लाह रोज़ाना आया करेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि रोज़ाना अच्छे अच्छे व्लॉग बनाया करूँ, इनकी डेली रूटीन दिखाया करूँ, आपको गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ सब दिखाया करूँ। तो जी इंशाल्लाह आपसे कोशिश किया करूँगा, पहले माजरत क्योंकि मैं मसरूफ़ था थोड़ा सा, तो अब से इंशाल्लाह मेरे प्रॉपर व्लॉग आया करेंगे। और ये जी हमारे बकरे हैं जो कुर्बानी ईद के, इनका रेट लगता है तो कम लग रहा है, तो कुछ यानी कि 2-3 हज़ार रुपये सौदा जो ना वो अड़ रहा है, इसलिए सेल नहीं हो पा रहे। तो जी जैसे सेल होंगे आपको इंशाल्लाह इनकी व्लॉग दिखाएंगे भी सेल हो गए हैं। और जी हमारे माशाल्लाह कबूतरों के शौक रहे, ये जी हमारी फीमेल मुर्गी है, और जी वो सेंटिनेंट का फीमेल बच्चा वो आपको दिखाया था वो जी उधर बैठा हुआ, ये जी जूम करते हैं, ये जी मेम के बच्चे हमारे बड़े, और जो अंडे पड़े थे वो जी मुर्गियों ने कर दिए हैं फिनिश, क्योंकि एक दिन मैं नहीं आया और कबूतर खुले हुए थे इनका पिंजरा, तो भाई खोल के चले गए थे जिसकी वजह से मुर्गियों ने सफाया कर दिया अंडों का, बस एक ही अंडा पड़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह फिर दोबारा अंडे देंगे, अभी तो गर्मी है। ये जी हमारा मेल मुर्गा है माशाल्लाह जी, मुर्गे की हाइट चेक करें, मुर्गा है अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुर्गा बना है माशाल्लाह जी, ज़रूर बोलिएगा। उसके साथ मुर्गियाँ भी बहुत आउट क्लास की हैं, जो भी आते हैं देखते हैं, जो भी आता देखता है माशाल्लाह तारीफ ही करता है, कहते मुर्गियाँ बहुत अच्छी रखी हैं आपने। ये जी डरता है बस इंसानों से, कभी कभी डर जाता है। तो जी ये जी मेरे शौक, आपको अब दाने डालते हैं इनको कबूतरों को, ज़्यादा देर नहीं तरसाते नहीं, दाने डाल के इनको बंद करते हैं, फिर इंशाल्लाह इनको पानी दिखाएंगे, वो भी आपको रूटीन दिखाऊंगा। अभी इनको दाने डाल के फिर आपको वीडियो ऑन करके दिखाता हूँ, ठीक है सर। बेसब्री से इंतजार करते हैं, ये जी दाने हैं वो तो सारे एक जगह जमा हो गए, अभी इनको दाना डालना नहीं है, बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जो देखें जी एक हाथ में मेरा कैमरा है तो दूसरे हाथ से आपको नहीं दिखा सकता, इनको दाना डाल के फिर आपको दिखाता हूँ। जी इनको दाना डाल दिया, देखें जी माशाल्लाह खाने में मसरूफ़ है, आपको भी दिखाया अभी कैसे बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, शाम का ही कबूतर अच्छा बेसब्री से इंतज़ार करके दाना खाते हैं माशाल्लाह जी। इनको नीचे से क्लिप बनाते हैं, खाते तो जी ये खाना खा ले, फिर इनको ना ढकते हैं और इनको पानी डालते हैं, पानी वो डाला हुआ है वैसे वो पी भी रहे हैं और उधर से भी कुछ जाके पी रहे हैं, तो इनको पानी डालकर इनको बंद करते हैं, फिर इंशाल्लाह कबूतरों को सॉरी भैंसों को नहलाते हैं, उनको पानी पिलाते हैं,
फिर फीमेल डॉग को इंशाल्लाह खोलेंगे वाक के लिए। चले जी दाना खा लें, फिर इनको बंद करते हैं जी। माशाल्लाह हमारा मुर्गा हाइट वाला मुर्गा बना है माशाल्लाह जी, घर का पट्टा है तो जी तैयार हुआ, ये इसी की ब्रीड ले रहे हैं आगे तो जी माशाल्लाह जी। इन्होंने दाना खा लिया जी, तो इनको ये पानी पी लें फिर ऐसा ऐसा। और देखें जी मैंने मोटर चला दिया ताकि उसके अंदर पानी भर जाए, तो इसके भी अंदर है लेकिन उधर से ज़्यादा पीते हैं। जैसे ही ये पानी से वो हो जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर इनको बंद करते हैं, फिर हम इनको नहलाते हैं और पानी दिखाते हैं। माशाल्लाह 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 ज़रूर बोलिएगा, अल्लाह बुरी नज़रों से बचाए इन चूज़ों को। बस जी शौक से रखे हुए हैं माशाल्लाह जी। कबूतर देखें, कबूतर इंशाल्लाह और लेके आएंगे हम इंशाल्लाह, जो हमारे पास वैरायटी नहीं है वो इंशाल्लाह लेके आएंगे हम, जल्द ही लेके आएंगे। अब इनको खुडा खोलते हैं और देखते हैं, कबूतर अंदर जाना शुरू कर देंगे और अपने बच्चों को चोगा देंगे। ये माशाल्लाह जी एक बेबी पिजन ये रेडी, ओ बोंडा पड़ा हुआ है जी माशाल्लाह। ये बच्चे हैं, ये आना शुरू हो गए हैं। अब देखिए जी जाना शुरू हो गए हैं कबूतर, वैसे ऐसा सारे ही चले जाएंगे अंदर खुद ब खुद, तो इनको बंद कर देंगे। तो जी मैं दोपहर को आता हूँ कभी कभार, तो वीडियो ज़्यादा नहीं बनाता, तो ना मैं इस चारपाई के ऊपर बैठ के ना तो इन कबूतरों को खोल कर देखता रहता हूँ, क्योंकि इनको देखकर एक दिली सुकून मिलता है। है तो बर्ड्स, लेकिन बर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि भी दिल को सुकून देते हैं। बस इनको देखता रहता हूँ, जब यानी कि भी थोड़ा सा परेशान हूँ कुछ ना कुछ हो जाए ऐसा, तो बस इनको खोल कर देखता रहता हूँ। दिल को सुकून मिलता है, जब तक सुकून नहीं मिलता फिर घर नहीं जाता, फिर बैठ के देखता रहता हूँ। जैसे सुकून मिला बस इनको बंद करके चल दिया, और ज़्यादा इनको धूप में भी नहीं रखता, इनको नहलाता भी हूँ माशाल्लाह जी, इनकी केयर बड़ी करता हूँ मैं। तो जी बच्चे भी लिए हैं, बच्चे सेल भी किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पैसे भी कमाए, लेकिन जो मेरा असल शौक है वो है इनको रखना। तो बस जब तक YouTube से कमा नहीं लेता कुछ, तो इनका खर्चा नहीं उठा सकता। तो जाहिर बात है जितना खर्चा मेरे पास होता है उतना मैं कर सकता हूँ इनके ऊपर, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि ये हैं बहुत सारे, तो ये दाने बहुत खाते हैं, जिससे दाने ज़्यादा तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन बर्ड्स हैं, लेकिन फिर भी खाते तो हैं। तो जी हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं इनको रखना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं इसलिए रखता हूँ। और जी बस जी और क्या कहूँ, और उसके अलावा बस आपको रूटीन दिखाते हैं। ये देखिए सारे जी अंदर चले गए हैं, खुश रहते हैं बाहर, जैसे वो जाते हैं फिर इनको बंद करके फिर इंशाल्लाह हम वो खोलते हैं। क्योंकि रिसेंटली एक हमारे कबूतर का पर उसके नीचे आ गया था, कट्टी के पाँव के नीचे, क्योंकि वो भागती आती जाती है ना, तो इसलिए। तो जी इनको बंद करके फिर इंशाल्लाह उनको नहलाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। अभी थोड़ा देर सब्र कीजिए, फिर इंशाल्लाह वीडियो कट करके फिर अंदर आ गए, तो इनको करते हैं जी बंद। फिर देखें माशाल्लाह सारे अंदर अपने अपने जगह पे आ गए, तो इनको करते हैं जी लॉक। ये जी लॉक गया लॉक इनका, तो जी अब निकालते हैं इनको, पानी पिलाते हैं जी और नहलाते हैं जी। अब इसको गाय को पानी पिलाने, इसको नहलाते नहीं है क्योंकि ये नहाने से डरती हैं, पानी से बस पानी पीती हैं। बस इनको पानी, इसको पानी पिला कर बांधूंगा, बाकी सबको नहलाऊंगा जी। ये देखें ये ऐसे नहलाता हूँ सबको, सबको ऐसे नहला कर फिर पानी भी पीते हैं और ठंडे भी हो जाते हैं रात को, ठंडा माहौल। तो जी इनको भी नहलाते हैं, शाम इस टाइम भी नहलाते हैं, तो इनको नहला के ऐसे ऐसे बांध देता हूँ सारों को, दूसरी खुली पन्नी जहाँ घास डालते हैं वहाँ पन्नी किसी और जगह पर बांध देता हूँ, तो मज़े से बैठी रहती हैं जी माशाल्लाह। ये जी दूध वाली हमारी जो भैंस है ये वो है, तो जी इसको नहला कर बांधता हूँ, फिर आपको मिलता है जी। इधर ऐसे बांध दिया, दूसरी इधर बांधूँगा, फिर वो उधर इधर साइडे पर बन जाएंगी, तो जी इनको ऐसे बांधूँगी, ये बेचैन हो रही है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब इनको बांध कर फिर मैं, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा जितना मैं इनको नहलाऊंगा। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इनको चारा डालेंगे, इनको चारा लेने के, इनका जो चारा है पहले इन्हें खा चुके हैं, देखें नीचे पड़ा, तो जी इनको चारा डालते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा।